सबको चैप्टर दो, ठीक है। मियां नसीरुद्दीन, अच्छा तुम यहाँ से पढ़ेंगे। मियां कुछ देर सोच में खोए रहे, सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है। यानी कि इससे पहले क्या बात हुई कि मियां ने कहा था लेखिका को कि हमारे बुजुर्गों ने ऐसा पकवान बनाया जिसमें ना तो आग लगी ना पानी लगा, ठीक है। और उस पकवान को बादशाह सलामत ने खूब खाया और उसकी खूब प्रशंसा की, ठीक है। तो आगे कह रहे हैं कि फिर बाद में कुछ खो गए, वो किसी सोच में डूब गए। तब लेखिका ने सोचा कि शायद ये उस पकवान के बारे में बताएंगे कि वो कौन सा पकवान था, है ना। फिर नसीरुद्दीन साहिब बड़ी रुखाई से बहुत ही रूखे स्वर में बोले, ये हम नहीं बताएंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है ना कि खानदानी नान भाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। उसने बोला कि पकवान के बारे में तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन आप इतना समझ लो कि एक कहावत बनाई गई है कि जो नान भाई खानदानी होते हैं वो कुएं के अंदर भी रोटी पका सकते हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि कहावत जब भी बनाई गई होगी हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही उतरती है। यानी कि कहावत को जब भी बनाया गया, ठीक है, तो ये जो कहावत है हमारे जो पूर्वज हैं उनके ऊपर ही खरी उतरती है, ठीक है। ये कहावत सिर्फ उनके लिए ही बनाई गई है। आगे कह रहे हैं, मजा लेने के लिए टोका, कहावत ये सच्ची भी है कि नहीं। लेखिका कह रही है कि हमने नान भाई का मजा लेने के लिए उनको टोका कि ये जो कहावत है वो सच्ची भी है कि नहीं है, या आप अपने मन से बना के ही ऐसा कुछ कह रहे हैं। फिर मियां ने घूर कर हमारी ओर देखा, और क्या झूठी है, नहीं तो क्या ये कहावत झूठी है, आप ही बताइए। रोटी पकाने में झूठ का क्या काम, झूठ से रोटी पकेगी क्या, पकती देखी है कभी, रोटी जना पकती है आग से, समझे। कह रहे हैं कि झूठ से कभी रोटी नहीं पकती, आपने क्या कभी झूठ से रोटी पकते हुए देखा है क्या, रोटी सिर्फ आँच से पकती है ना कि झूठ से। सिर हिलाना पड़ा, ठीक फरमाते हैं। लेखिका ने कहा कि हमें फिर उनकी बात में हमें हाँ मिलानी पड़ी और उनसे ये कहना पड़ा कि हाँ बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, ठीक है। इस बीच मियां ने किसी और को पुकार लिया, मियां रहमत इस वक्त आप किधर को, यानी कि ये मियां रहमत आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं। वह लौंडिया नाई रुमाली लेने, लौंडिया मतलब मैंने कल बताया था लड़की, ठीक है, कि वो लड़की रुमाली रोटी लेने नहीं आई, कोई बात नहीं शाम को मंगवा लेगा। फिर आगे कह रहे हैं कि मियां एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। लेखिका ने कहा कि आप जब मुझे इतनी बातें बता रहे हैं तो एक बात बताने की तकलीफ और उठाइए। मियां ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी और कुछ फुर्ती पा गई थी, ठीक है। मतलब जो लोग कुछ नशा करते हैं, गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो जब इसको पीते हैं तो उनमें फुर्ती आ जाती है, ठीक है ना। काम करने से पहले वो पीते हैं तो उनके अंदर फुर्ती आ जाती है, तो उनके अंदर भी फुर्ती आ गई और बोला पूछिए। अरे बात ही तो पूछेंगे आप, जान तो नहीं लेंगे हमारी। कह रहे हैं कि आपको हमसे पूछना है तो बात ही तो पूछेंगे, हमारी जान तो लेने के रहे, और उसमें भी अब क्या देर ना करो पूछो। फिर कह रहे हैं कि 70 के हो चुके हैं, फिर जैसे अपने से ही कहते हो, अपने आप से ही बड़बड़ा रहे हैं कि वालिद मरहूम तो पूछ किए 80 पर, कि जो हमारे पिता साहब थे वो तो 80 पर मरे थे, ठीक है। लेकिन हमें इतनी मोहलत मिले या ना मिले, लेकिन हम 80 साल तक जी पाए या ना जी पाए, इस मजमून पर हमसे कुछ कहते ना बन आया। मजमून मतलब क्या है, विषय, जो इन्होंने विषय छेड़ा, ये बात छेड़ी, इस पर हमसे कुछ कहा नहीं गया। तो फिर कहा कि अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। तो कही है कि मुझे आपसे ये पता करना था कि आपके जो पूर्वज थे उन्होंने बादशाह सलामत के लिए ऐसा पकवान बनाया, तो उन्होंने शायद उनके रसोई घर में भी काम किया होगा। मियां ने बेरुखी से टोका, वो बात तो पहले हो चुकी ना, अब उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। वो रूखे स्वर में बोले कि ये बात जब हमारी पहले हो चुकी है तो आप फिर से क्यों पूछ रही है। हो तो चुकी साहिब, पर जानना ये था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। वो कह रहे कि हमारी बात पहले हो चुकी है तो आप बार बार ये बात क्यों पूछ रही है। लेखिका ने ये कहा कि हम ये जानना चाहते हैं कि आपके जो बुजुर्ग थे, आपके जो पूर्वज थे, वो दिल्ली में कौन से बादशाह सलामत के यहाँ पर काम करते थे, ठीक है।
आगे कह रहे हैं कि अजी साहिब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हुए हो, क्या आप एक छोटी छोटी चीज को उसके बाल की खाल क्यों निकाल रही हो, इतनी बारीकी से हर चीज को क्यों जानना चाह रही हो। कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफी नहीं है। जब हमने कह दिया कि हमारे बुजुर्ग बादशाह सलामत के यहाँ पर काम करते थे, तो क्या इतनी बात आपके लिए काफी नहीं है क्या? ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कहना हम चाहेंगे यहाँ पर कि मियां नसीरुद्दीन के पूर्वजों ने किसी बादशाह सलामत के यहाँ पर काम नहीं किया, सिर्फ अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए इन्होंने ये बात गढ़ ली। ठीक है, अगर ऐसा होता तो वो बादशाह सलामत का नाम जरूर बताते, लेकिन वो बार बार उस बात को टाल रहे हैं। ठीक है, हम खिसियानी सी हंसी हंसे, थोड़ी शर्मीली हंसी हंसे, है तो काफी आपने ठीक है बता दिया कि आप बादशाह सलामत के यहाँ पर आपके बुजुर्ग काम करते थे, पर जरा नाम लेते तो उसे वक्त से मिला लेते। लेकिन अगर आप नाम ले लेते तो हमें पता चल जाता कि किस समय आपके बुजुर्गों ने किस बादशाह के यहाँ पर काम किया। ठीक है, हमें एक समय का टाइम का पता चल जाता, वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियां हंसे, और जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हो, यानी कि मियां नसीरुद्दीन ने लेखिका का मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या कहा कि बहुत खूब आप हमारे बादशाहों का काम करना वक्त से मिला लेते। लेकिन जनाब वक्त से, ठीक है, कहने का मतलब है कि क्या आज वक्त से कोई किसी चीज को मिला पाया है क्या? ठीक है ना, इस बात पर वो हंसी हंसने लगे। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है क्या? भाई आज तक किसी ने वक्त को वक्त से मिलाया है क्या? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? फिर कह रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, पूछो किसका नाम जानना चाहते हैं आप, कौन से बादशाह सलामत का नाम जानना चाहते हैं। फिर टालने के लिए देखो कुशल थे वो, बात में क्या करने थे, बात करने में कुशल थे, चतुर थे। फिर क्या कह रहे हैं, दिल्ली के बादशाह के का ही ना, कि भाई दिल्ली के बादशाह का नाम ही तो आप जानना चाहते हैं जिनके यहाँ हमारे पूर्वजों ने काम किया, उनका नाम कौन नहीं जानता, जहां पना बादशाह सलामत ही ना। कह दिया कि उनका नाम कौन नहीं जानता, उनका नाम है जहां पना बादशाह सलामत। ठीक है, ये इन्होंने कह दिया। फिर क्या कह रहे हैं, फिर लेखिका फिर उनसे कंफर्म करना चाहती है, ठीक है ना, पूछना चाहती है कौन से बहादुर शाह जफर की बात कर रहे हैं। भाई देखिए, किसी भी तरीके से मियां नसीरुद्दीन के मुंह से उस बादशाह का नाम निकल जाए तो उन्होंने बहादुर शाह जफर का नाम ले लिया कि बहादुर शाह जफर के यहाँ आपके पूर्वज काम करते थे क्या। अब मियां को इस बात पे गुस्सा आ गया और वो चिढ़कर उन्होंने बोला, फिर अलट पलट के वही बात, यानी कि का आपको जो मैंने समझा दिया है कि मेरे बुजुर्ग उसमें बादशाह सलामत के यहाँ काम करते थे, लेकिन फिर आप बार बार में एक ही बात पलट पलट कर मुझसे पूछ रही है। ठीक है, लिख लीजिए बस यही नाम, आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुक का भेजना है कि बस आप तो ये नाम लिख लीजिए, जहां पना बादशाह सलामत के यहाँ पर हमारे बुजुर्गों ने काम किया। आप नाम जान के क्या करेंगी, आप कौन से उस बादशाह सलामत को चिट्ठी भेजेंगी या पत्र भेजेंगी जो आपको नाम जानना इतना जरूरी हो रहा है। ठीक है, फिर कि डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता ही जरूरी है, वह चिट्ठी पहले डाक खाने में जाती थी तो डाक खाना जो चिट्ठी पहुंचाता था उसमें सही नाम लिखा होना जरूरी होता था। तो ये क्या कह रहे हैं कि आपको कौन से उस बादशाह सलामत के यहाँ पर चिट्ठी पत्र भेजना है कि भाई आपको डाक खाने में वो पोस्ट करने के लिए बिल्कुल सही सही नाम पता हो। हमने कह दिया कि हमारे बुजुर्गों ने बादशाह सलामत के यहाँ काम किया तो बस इतना ही काफी है। हमें बिटर बिटर अपनी ही तरफ देखते, यानी कि हमें एक टक लेखिका उनकी तरफ एक टक देख रही थी, पाया कि सिर हिला अपने कारीगर से बोले। जब उनकी तरफ वो एक टक देख रही थी तो नसीरुद्दीन को जो पता चला तो उन्होंने अपने कारीगर से कहा, अरे बब्बन मियां भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे, भट्टी में आंच दो ताकि हमारा काम पूरा करे। या बब्बन मियां कौन है साहिब? अब लेखिका ने फिर बेश में टोका और पूछा कि आप कौन से बब्बन मियां की बात कर रहे हैं, कौन है ये? ठीक है, मियां ने रुखाई से जैसे फांक ही फांक दी हो, उन्होंने हमारी तरफ इस तरह देखा जैसे कि बस हम तो मतलब डर के मारे एक तरफ ही बैठ गए, कुछ बोल ही ना पाए। अपने का फिर गुस्से से बोला, अपने कारीगर और कौन होंगे? ठीक है, गुस्से से बोला कि अपने कारीगर और कौन होंगे?
मन में आया पूछ ले आपके बेटे बेटियां हैं। अब लेखिका के मन में तो था कि उनसे पूछो ये आपके बेटे बेटियां हैं क्या, कितने बेटे हैं या कितनी बेटी हैं, वो क्या करते हैं, जानना चाहती थी। पर मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। पर जब उन्होंने मियां नसीरुद्दीन के चेहरों को देखा, जो कि मतलब गुस्से से, दबे हुए गुस्से से भरा हुआ था, तो लेखिका ने सोचा कि इस विषय पर अब पूछना समझदारी नहीं है। ठीक है, इतना ही कहा कि ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं क्या, शागिर्दी मतलब ये कारीगर जो है वो क्या आपके शिष्य हैं, क्या वो आपसे सीखते हैं। फिर कह रहे हैं खाली शागिर्दी ही नहीं साहिब, गिन के मजूरी देता हूँ। कह रहे हैं कि सिर्फ ये मुझसे सीखते ही नहीं है, मैं उनको सीखने के और काम करने के मजदूरी मतलब पैसे भी देता हूँ। 2 रुपए मन आटे की मजदूरी, 1 मन में 40 किलो होता है। यदि आटे की, गेहूं के आटे की रोटियां बनती है तो उसके 2 रुपए, 1 मन गेहूं के आटे की के 2 रुपए, ठीक है। और 4 रुपए मन मैदे की मजूरी, हाँ, और यदि मैदे की रोटियां बनती है तो उसके मैं 40 किलो के 1 मन के मतलब 4 रुपए देता हूँ। फिर आगे कह रहे हैं ज्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती है। लेखिका पूछ रही है कि ज्यादातर आपकी भट्टी पर आप किस तरह की रोटियां पकाते हो, कौन सी रोटियां पकाते हो। मिया को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी नहीं थी। अब मिया कुछ भी और कुछ कहना नहीं चाहते थे, उनको कोई दिलचस्पी नहीं थी कि लेखिका से वो कुछ और बात करे। फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले कि जैसे तैसे पूछ पाछ के यहाँ से जाए। फिर बोले कि बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव दीदा, गाजेबान, चुनकी, ये सब रोटियों के नाम है। ठीक है कि ज्यादातर भट्टी पर हमारे ये रोटियां बनती है। फिर तेवर चढ़ा हमें घूर कर कहा, फिर अपनी बौही चढ़ाकर और घूर कर बोले तुनकी पापड़ से ज्यादा महीन होती है। जो तुनकी रोटी होती है, पापड़ कितना पतला होता है, ये तुनकी उससे भी पतली रोटी होती है, महीन, ठीक है, बिल्कुल बारीक। हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। कह रहे हैं कि जब मौका मिला, अवसर मिला, तो आपको भी हम जरूर खिलाएंगे। एकाएक मिया की आंखों के आगे कुछ कौंध गया। अचानक से मिया को कुछ याद आ गया। एक लंबी सांस उन्होंने भरी, दुखी होकर एक लंबी सांस ली और किसी गुमशुदा याद को ताजा करने को कहा। ठीक है, जो यादें खो गई थी उनको याद करते हुए बोले, उतर गए वे जमाने कि अब वो जमाने चले गए, और गए वे कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे, और जो पहले खाने के शौकीन थे, खाने की कद्र करते थे, उसकी इज्जत करते थे, उसकी तारीफ करते थे, उसकी प्रशंसा करते थे, ऐसे कद्रदान अब चले गए हैं। ठीक है, मियां अब क्या रखा है। अब तो कुछ नहीं रखा, कितने भी स्वादिष्ट से स्वादिष्ट चीज बनाओ, लेकिन लोग क्या करते हैं, निकाली तंदूर से निकली और हजम। अब लोगों को मतलब ढंग से चबाने का, रोटी को ढंग से चबाने का टाइम भी नहीं है। तंदूर से निकाला, कुछ चबाया, कुछ खाया, कुछ निकला और उसको हजम कर लिया। ठीक है, अब ये जमाना आ गया है जो मतलब नसीरुद्दीन को कहीं ना कहीं अंदर से दुखी कर रहा है। ठीक है, वो उनको पता है कि मैं 56 प्रकार की रोटी बनाना जानता हूँ, वो जानते थे, लेकिन उनकी रोटियों की कद्र करने वाले अब नहीं रहे। इस बात को लेकर उन्होंने लंबी सांस भरी और वो दुखी हो गए और कहा कि अब खाने के शौकी नहीं रहे हैं, अब तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है, तंदूर से निकालो, निगल लो और उसको हजम कर लो। कोई दिक्कत किसी को चैप्टर में? सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? चलिए ठीक है बेटा, आज अपनी क्लास इतनी ही। अब अपन कल जो है कंटिन्यू 3रा चैप्टर करेंगे। ठीक है, फिर 4था और फिर अगला चैप्टर, तुम्हारे जो सेकंड यूटी होंगे उस पे तुम्हारे 3रा और 4था चैप्टर आएगा। ठीक है, तो कल अपना अपन 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। काम सबने कर लिया? 4 तक मैंने कल भेजा था क्लास में PDF, नहीं हो तो कर लेना। ठीक है, नहीं किया है तो कर लेना। ओके, ठीक, चलो ठीक है, मैं आज भेज देती हूँ 4। ठीक है, कल 3 ही भेजा होगा शायद, भाई एक ज्यादा हो जाएगा। हाँ, आज अभी 4th भेज देती हूँ। ठीक है, हिंदी कथा कहाँ से करनी है, मैं खुद को करनी है क्या? क्या वो हिंदी कथा और लेखक परिचय? हाँ, वो बाद में करेंगे अभी अपन, अभी तुम सिर्फ चैप्टर्स करो। ठीक है, हो सकता है स्कूल वगैरह खुल जाए तो मैं तुम्हें क्लास में करवा दूंगी।
नहीं अदरवाइज तो मैं भेज दूंगी, ठीक है? ओके बाय सबको, थैंक यू मैम, ओके बेटा।